हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, तो ये जो आप थंबनेल देख रहे हैं वो मैंने खुद अपने एंड्रॉयड फ़ोन में बनाए हैं। देख सकते हो कितने मस्त लग रहे हैं। मैं आज आपको ये थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। लेट्स बिगिन। उससे पहले मैं आपको थोड़ी एक टिप देना चाहता हूँ। ये सारे कुछ मटेरियल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। पिंड कमेंट में लिंक है, जाके आप वहाँ से मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो शुरू करते हैं वीडियो। अगर किसी को पिक्सेल लैब यूज़ करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी मैं सिखा दूंगा पूरा बेसिक से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हमको एक बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें थ्री डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा। बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, इमेज साइज पे जाएंगे। इमेज साइज पे जाने के बाद कस्टम पे क्लिक करेंगे। कस्टम के बाद हमें यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद कुछ पहले से साइज दे रहेगी, फिर उसको हम थोड़ी सी एडिट कर देंगे और 980 ले लेंगे कुछ, और इधर 920 और यहाँ 1080। बिकॉज हम लोग ने साइज थोड़ी बड़ी इसलिए ली क्योंकि जब हम यूट्यूब पे ये थंबनेल डालते हैं तो उसकी थोड़ी साइज थोड़ी कंप्रेस हो जाती है, इसलिए हमने थोड़ी साइज बड़ी ली। तो अभी हम ये जो न्यू टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है उसको पहले डिलीट कर देंगे क्योंकि अभी इसका कुछ काम नहीं है इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले बॉटम में फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फिर उसके बाद ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे। अभी हमको जो भी इसमें से डिजाइन पसंद है उस पर क्लिक कर लेंगे, तो हमें ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमें इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए जैसे पहले जो ब्लैक दिख रहा है ना साइड में, साइड वाला बजट पे इस पर क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद ये कलर वाला ऑप्शन है, कलर वाला ऑप्शन पर पिंक करेंगे इसका कलर कुछ इस टाइप से। ये होने के बाद हमें ये वाइट वाले पे सेलेक्ट करना है। व्हाइट वाले का कलर कुछ हमें ब्लू करना है। ब्लू होने के बाद ओके कर देने का, फिर ये हो गया। अगर आपको और कोई ग्रेडियंट चाहिएगा तो ये यहाँ से आप इसके देख सकते हो पूरा। ठीक है, ओके। लेकिन हम लोग ये डिफ़ॉल्ट वाला अच्छा लगा इसलिए अभी डिफ़ॉल्ट वाला रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पे फ्रॉम गैलरी वाला ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एक इंस्टाग्राम साइड से सब उसका PNG एक ढूंढ लेंगे यानी बैकग्राउंड के लिए। तो ये कुछ आ गया। फिर इसके बाद ये यहाँ से थोड़ा बिग कर देंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस रिलेटिव पोजीशन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको दबा के कभी तो ये पूरा सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप मैन्युअली भी थोड़ा इधर उधर करके कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद हमें इसका थोड़ा ओपेसिटी कम करना है। तो ये ओपेसिटी वाला ऑप्शन पे जाएंगे, इसका ओपेसिटी हम कम करके कुछ 25 तक रख देंगे। ठीक है, वो ये होने के बाद अभी इस लेयर को हम लॉक करेंगे। लगभग इस लेयर का काम हो चुका है, बैकग्राउंड बन गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका, फिर से एक बार गैलरी में जाना, उसके बाद एक विराट कोहली की PNG ढूंढना। तो ये हम लोग ने पहले से डाउनलोड करके रखा था ये PNG। तो ये कुछ PNG आ चुका है, तो इसको भी प्रॉपर सिलेक्ट करके अब चाहो तो इस रिलेटिव पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखो, अब ये एकदम पूरा बीच में आ चुका है। चाहो तो सेंटर में चाहिए तो सेंटर में आ जाएगा, एकदम कॉर्नर में चाहिए तो कॉर्नर में, बट हमें थोड़ा और इधर चाहिए तो हम मैनुअली इसको थोड़ा इधर कर देंगे। देखिए, ये हो गया। फिर इसके बाद इसका काम हो चुका, अब इसको भी थोड़ा लॉक कर देंगे। अब हम इसमें टैक्स ऐड करेंगे, तो टैक्स के लिए यहाँ पे आएंगे, फिर टैक्स के लिए एडिट मारेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कुछ किंग ऑफ। ठीक है, ओके कर देंगे। फिर उसके बाद हम इस क्या बोलते हैं फॉन्ट चेंज करेंगे। हमें वाला फॉन्ट अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमें ये हमारे माय फॉन्ट में जाने के बाद ये मॉन्स्टेरा बोल्ट वाले फोन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये कुछ अच्छा लगेगा। तो इसके साइकोर हम बना लेते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद एडिट करेंगे इसको और यहाँ पे कुछ क्रिकेट लिख देंगे। ठीक है, तो ये कुछ हो गया। अब इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देंगे, चाहो तो आप साइज़ इससे भी बड़ा कर सकते हैं लाइक दिस।
तो हमें कुछ है जितना चाहिए, थोड़ा और कम। नाउ इट्स फाइन, ये कुछ ठीक है। ठीक है, अभी किंग रिसेप्शन पे जाएंगे और फिर उसके मैं जाऊँगी थोड़ा खींच खींच के, कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे तो ये अच्छा लगेगा। अब इसका हो गया, इस लेयर को भी लॉक कर देंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद एक शेप है, शेप पे सेलेक्ट करेंगे, इसको कुछ मैनुअली थोड़ा ऐसा ऐसा करके देंगे। इसके बाद ये थोड़ा ये कर देंगे, इसकी भी कलर रेड सेलेक्ट कर लेंगे इसमें, और ओपेसिटी 50 कर देंगे, 50। ओके, ये 50 होने के बाद इसको मैनुअली और थोड़ा अच्छा कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ अच्छा लगेगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये विराट कोहली के ऊपर आ रहा है थोड़ा सा, तो अभी हम इस लेयर को थोड़ा नीचे कर देंगे विराट कोहली से। ठीक है, तो अभी ये ठीक है, तो अभी हमने इसको नीचे कर दिया ऑलमोस्ट। अभी हो गया, अब लास्ट स्टेप है बस। लास्ट स्टेप में हमें शेप वाला हो गया, अभी गैलरी में जाना है, एक फायर वाला पीएनजी सेलेक्ट करना है। तो फायर वाला पीएनजी ये रहा, मिल गया। इसको कुछ इस टाइप से थोड़ा बहुत इधर रखेंगे, थोड़ा यहाँ पे, और इसका ओपेसिटी थोड़ा कम कर देंगे। तो ओपेसिटी कम करने के लिए ये रहा, तो इतना ठीक है। इट्स ओके, 83 कर देंगे। ठीक है, 83 करने के बाद इसको भी थोड़ा विराट कोहली के नीचे कर देंगे कि विराट कोहली के ऊपर आ रहा था थोड़ा। अब आप लोग देख सकते हैं कि थंबनेल रेडी है। ठीक है, तो कैसा लगा थंबनेल आप देख सकते हो। आई होप सो क्या आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। यहाँ पे जाके आप सेव कर सकते हो, आप यहाँ पे आना, यहाँ पे PNG सेलेक्ट कर लेना, PNG के बाद सेव टू गैलरी। ठीक है, इसके बाद आप लोग जा सकते हो यहाँ पे सेव इस प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे सेव कर सकते हो किंग कोहली करके, आपके मर्जी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ओके कर देना। तो आप अगर यहाँ तक रुके हो तो आपके लिए एक बोनस टिप है, आपके लिए कुछ एलिमेंट्स बना के रखे हैं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, यहाँ पे लिंक है, वहाँ पे कुछ मटेरियल्स दिए हुए। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एरोज दिए, ग्राफ्स दिए, जिससे आप थंबनेल बना सकते हो। ठीक है, और कुछ बैकग्राउंड्स भी है, और इमोजीज, ऐसा सारा सब कुछ है इसमें। तो पिन कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।